उत्तराखंड में देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जोगीवाला मसूरी बाईपास रोड को चौड़ा करने की प्लानिंग चल रही है। अब वहाँ पर लगभग 2500 व्यस्त पेड़ हैं और बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ हैं जिन पे अब आरी चलने वाली है। अब ये बताओ यार, जिस शहर में 100 साल से पुराने व्यस्त पेड़ हैं उस शहर में वायु प्रदूषण, पानी कमी, बारिश की दिक्कत, ऑक्सीजन लेवल में कमी कभी नहीं हो सकती। अब 2500 व्यस्त पेड़ों को काटने की वजह सिर्फ क्या है, रोड जाम को कम करना। शहर में तो जाम लगा रहेगा, अब ये 4-4 लेन भी छोटी पड़ जाएंगी तो क्या करेगी सरकार, सारे जंगल, पेड़, नदियों, इन सब की आहुति दे देगी। लेकिन क्या करेंगे आप जिस दिन एक भी पेड़ नहीं बचेगा। पेड़ लगाओ यार, मगर पुराने पेड़ों को ना काटो, बिकॉज आपकी हवा, पानी, बारिश का सिर्फ यही सोर्स है ना। नए पेड़ों को तो समय लगता है, कुछ और उपाय करो, ओवरब्रिज बनाओ, सलाह करो, क्योंकि एक व्यस्त पेड़ लगभग एक दिन में 270 लीटर ऑक्सीजन छोड़ता है, जो कि 7 लोगों की जान बचाए रखते हैं। इस हिसाब से 2500 पेड़ लगभग 17,500 लोगों की जान बचाए रखे हुए हैं, वरना पता ही होगा कोविड के दौरान पैसे ज़्यादा कीमती ऑक्सीजन थी यार।